उसके कन्विंस्ड होने का जो आधार था वो और पुख्ता हो गया तब जबकि प्रदीप भंडारी उनके कैब में बैठे और प्रदीप भंडारी ने ये रिवील किया कि देखो हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हम सुशांत के केस को अनर्थ कर रहे थे और उसको रिवील कर रहे थे, एक्सपोजे कर रहे थे, और ये जो दो नेता हैं आपस में मिले और उसके बाद रिपब्लिक भारत पर दबाव बनाया गया और फिर रिपब्लिक भारत को एक प्रकार से पीछे हटना पड़ा और तब मैंने निर्णय लिया कि मैं रिपब्लिक भारत को या अर्णब जी का साथ में छोड़ दूं। तो वो इस तरह से नैरेट कर रहे थे, लबोलुआब यही है। बिल्कुल सर, और ये तो प्रत्यक्ष है ना सर, हम खुद ही देख रहे हैं क्योंकि इतना समय था, इतना जोरदार इस केस का कवरेज चल रहा था, उसके बाद सडनली ये चीज चली जाती है। हम वी कैन अंडरस्टैंड कि देयर इज लॉट ऑफ लीगल प्रेशर एंड नंबर ऑफ अदर थिंग्स, वी आर नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट ये डेफिनेटली बात तो है कि उस सैटरडे को कुछ होने वाला था एंड बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि अब सीबीआई 302 लगाएगी, हैशटैग चल पड़े थे, लेकिन सडनली हाथरस, हाँ आई कैन नाउ रिमेम्बर, हाथरस का कोई मुद्दा था, उसको मेन कवर स्टोरी बना के पूरा सैटरडे संडे चलाया गया था। एंड वी वर सेइंग कि हाथरस का कहाँ से आ गया, आज तो सीबीआई का आना था, हम पूरा सैटरडे वो देखते रहे पर वो चीज नहीं आई। वी वेटेड फॉर अ वीक कि शायद अब सीबीआई का न्यूज आएगा, एंड आई थिंक यही रीजन है कि उस समय से लेके अब तक ये जो सुशांत की आर्मी है, सुशांत के वॉरियर हैं, और आई थिंक एक चीज और हुई थी, अर्नब वाज आल्सो मूविंग टू डिफरेंट प्लेसेस, अर्नब स्टूडियो में उस समय न्यूज कवर नहीं कर रहे थे, वो नोएडा भी गए थे और आई थिंक डिफरेंट जगहों पे थे, उनकी हेल्थ भी आई थिंक वी कैन सी फ्रॉम हिज फेस कि उनका थोड़ा वेट लॉस हुआ है और उनकी हेल्थ भी सफर कर रही है। तो जहां से शो कर रहे थे वो अर्नब जहां से शो कर रहे थे उसी कैंपस में मेरा दफ्तर था। ओके ओके, सेम कैंपस में अभी उस कैंपस के आसपास ही मेरा दूसरा स्टूडियो है, लेकिन जहां से अर्नब शो कर रहे थे मेरे ठीक फर्स्ट फ्लोर ऊपर से वो अर्नब शो करते थे और किसी को ये मालूम नहीं था। उसी कैंपस में एक होटल है, उस होटल में वो रहते भी थे और फिर वहीं से शो करके वो बाहर निकल जाते थे, बहुत लोगों को नहीं मालूम था। मुझे जानकारी है लेकिन मैंने मुलाकात नहीं की, लेकिन मैंने उन्हें देखा था एक दो बार वहां पे, दूर से देखा था, लेकिन मेरी इच्छा नहीं हुई मिलने की क्योंकि हम लोग अलग अलग इसमें हैं, तो वो अपना काम कर रहे थे, हम अपना। तो सर नोएडा की बात कर रहे हैं, आप नोएडा की बात कर रहे हैं? जी जी, मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ, नोएडा। ओके ओके ओके, नोएडा की बात कर रहा हूँ। वो सेक्टर भी मैं बता देता हूँ, सेक्टर 135 है। ओह आई नो, ओके। उसी जगह से वो शो करते थे और उसके बाद वो फिर वापस चले गए होंगे मुंबई, मैंने कोई इस बारे में कोई जानकारी नहीं हासिल की। मेरा ये आपसे कहना है कि आपको लगता है कि देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत की जो मुलाकात हुई उसमें क्या आदान प्रदान हुआ होगा, क्या कहा गया होगा कि आप अर्नब को चुप कराइए, इस इशू को बंद कराइए, कुछ ना कुछ कीजिए वरना ये मामला ठीक नहीं होगा, या उस वक्त लोग कह रहे थे कि शायद, और ये अक्सर संजय राउत बोलते थे क्या कि हमारे पास भी बहुत कुछ है बहुत लोगों के खिलाफ, और वो ब्लैकमेल करना चाहते थे, और उस वक्त कुछ बात ऐसी हो रही थी कि मिसेस फडणवीस के बारे में ये चर्चा चली थी, मुझे कोई जानकारी नहीं है कि उनका कहीं कुछ वो बतलाना चाह रहे थे, उनके बारे में कुछ डिस्क्लोज करना चाह रहे थे। अब सही बात क्या है नहीं है मुझे नहीं मालूम, तो क्या वो एक रेफरेंस था या संजय राउत ब्लैकमेल कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस जी को, और फिर देवेंद्र फडणवीस की इस मुलाकात के बाद जैसा आप कह रहे हैं कि उसके बाद ये पूरा मामला डिरेल हो गया और अर्नब को पीछे हटना पड़ा। लेकिन मैं फिर एक बार कहता हूं कि अर्नब ने जिस तरीके से इस कैंपेन को लंबे समय तक चलाया वो बहुत बड़ी आशा की किरण थी न्याय की दिशा में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई में आपको लगता है कि देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत के बीच में जो मुलाकात हुई उससे कहीं जो केंद्र की जो राजनीति है, केंद्र में जो हमारे नेता हैं, हमारे गृह मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, वो भी इन्फ्लुएंस्ड हैं?
सर ये बात करके तो लगता है इस एज ए अगर कोई थर्ड पर्सन देखे या एज ए व्यूअर अगर आप एक टीवी न्यूज देखते हैं और इस केस को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली लोगों के दिमाग में ये चीजें आएंगी, क्योंकि सच्चाई को देखिए कहने के लिए बहुत सिंप्लिसिटी चाहिए, उसके लिए लाग लपेट करने की या लेफ्ट राइट जाने की जरूरत नहीं है। एक केस चल रहा है, उस केस के प्रत्यक्ष एविडेंसेस हैं पब्लिक डोमेन में, सीबीआई उस केस के ऊपर काम कर रही है। सीबीआई किसको रिपोर्ट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है, ठीक है ना, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। और हम लोग अपने देश की गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हैं, हम देशभक्त हैं, देश के साथ खड़े हैं हर चीज पर, लेकिन हम उससे भी ऊपर सत्य के साथ खड़े हैं। अगर हम भगवद गीता की बात करते हैं, अपने सनातन धर्म की बात करते हैं, तो सत्य से ऊपर कुछ नहीं है ना। तो अगर हम अकेले भी खड़े रहें सत्य बोलने के लिए, अगर एक योद्धा अकेला भी खड़ा है तो उसको खड़े रहना चाहिए। तो हम उसी सत्य की बात कर रहे हैं कि जब प्रत्यक्ष हमें दिख रहा है कि ये चीजें हो रही हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन जाएंगे। सीबीआई रिपोर्ट्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड अगर हमारे देश के जनता ने उनको बहुमत से जिताया है और आज भी हमें भरोसा है अपनी अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट पर, हमारी लीडरशिप के ऊपर कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक रियल हीरो जो कि हमारा सुशांत सिंह राजपूत है, जो कि सिर्फ ना सिर्फ एक इस देश का लॉस है बल्कि इस पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा लॉस है। हमने ऐसे रत्न को, ऐसे जेम को हमने खो दिया, अफसोस तक नहीं किया, उसके लिए जस्टिस की डिमांड तक नहीं हो रही है। आज बॉलीवुड का कोई बंदा सामने नहीं आ रहा है, पॉलिटिकल क्लास में कोई लोग सामने नहीं आ रहे, हाँ एक दो लोग ड्राइव्स लेके आते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं। आज सुशांत क्यों वेट कर रहा है इतने समय से जस्टिस के लिए? सुशांत ने तो अपना काम कर दिया, आके हम सबको जगा दिया, बहुत बड़ा काम किया उसने, अपना जीवन सार्थक कर दिया। अब हमारी ड्यूटी है कि हम अपना कर्म करके यहाँ से जाएं। और अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अभी हम पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स तो देखिए, जब एक बात पर पॉलिटिक्स को पीछे हटना पड़ेगा, यस, ऐसी साक्ष्य जब सामने आएगी जिसकी काट पॉलिटिक्स के पास नहीं होगा तो पॉलिटिक्स को घुटना टेकना पड़ेगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके निगाह में ऐसी एक साक्ष्य क्या दिख रहा है जिससे कि